दर्शाता था कि ललन सिंह से मुक्ति पा लिया जदयू के लोगों ने। ललन सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, इसका गुस्सा था उनके मन में, और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा। तो देखिए, नए वर्ष के अंदर मैं दो भविष्यवाणी करता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सीरीज, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि बिहार की सियासत के लिए 2023 काफ़ी ज़्यादा गर्म रहा, और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब से जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष की पद का कमान संभाले, उसके बाद अब ये चर्चाएं भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है कि एक बार फिर से नीतीश कुमार बीजेपी के साथ जाने वाले। अब देखिए, अब इन तमाम चीज़ों को लेकर जब सवाल पूछा गया, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद सुशील मोदी से, तो सुशील मोदी ने आने वाले 2024 को लेकर और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर और जदयू को लेकर एक बड़ा भविष्यवाणी कर दिया, और क्या कुछ कर, सबसे पहले आप इस वीडियो में देखिए। अब ललन सिंह का कहना है कि जो समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने इस तरह की खबरें चलाई, उन पर हम लीगल नोटिस भेजेंगे, उन पर मानहानि का मुकदमा करेंगे, तो ये इस फ्रस्ट्रेशन को कैसे देखा जाए सर? देखिए, जदयू में जिस तरह का जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बटी, लोग अबीर गुलाल लगा रहे थे, ये दर्शाता था कि ललन सिंह से मुक्ति पा लिया जदयू के लोगों ने। तो जो ललन सिंह कहते थे कि हम भारत को भाजपा मुक्त करेंगे, उस ललन सिंह को जदयू ने और मुक्त कर दिया। और देखिए, ललन सिंह चूँकि केंद्र में मंत्री नहीं बन पाए, इसका गुस्सा था उनके मन में, और उन्होंने नीतीश कुमार को भड़का कर बरगला कर एनडीए का गठबंधन तोड़वा दिया, आरसीपी सिंह को पार्टी से निकलवा दिया, और वो लालू से इतने करीबी हो गए, ये जदयू के लोगों को भी अखरने लगा। और ये वही ललन सिंह है जिनके कारण लालू यादव को जेल जाना पड़ा, ये वही ललन सिंह है जिन्होंने चारा घोटाले का मुकदमा दायर किया और आज लालू यादव 5 मामलों में सजा याफ्ता है, ये वही ललन सिंह है जिन्होंने नौकरी के बदले जो रोजगार का मामला था रेलवे के अंदर, उसके सारे दस्तावेज मनमोहन सिंह को सुपुर्द किया था, और आज वो लालू के सबसे करीबी हो गए, तो इसलिए उनको उनका रास्ता दिखला दिया गया है। लेकिन अब ललन सिंह चुप रहने वाले नहीं हैं। इसलिए देखिए, नए वर्ष के अंदर मैं दो भविष्यवाणी करता हूँ, एक तो जदयू का टूटना तय है, और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे, तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार, और जदयू का टूटना, ये दो चीज़ें 2024 के अंदर होने जा रही है। तो अभी आपने देखा, जो बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री रह चुके और राज्यसभा सांसद है सुशील कुमार मोदी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर एक बड़ा भविष्यवाणी कर दिया है, और साफ साफ कह रहे हैं कि 2024 में जदयू का टूटना तय है, और 2024 में अब नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर सुशील मोदी ने एक बड़ा भविष्यवाणी किया और साफ साफ कह दिए कि 2024 में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, जदयू का टूटना 2024 में तय है। और भी क्या कुछ कहना था सुशील मोदी का, आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहने तक, धन्यवाद।